अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फोटोशॉप की आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन टूल्स के बारे में बताऊंगी। कौन कौन सी वो टूल है, एक तो रेजर टूल, बैकग्राउंड रेजर टूल और उसके अलावा मैजिक रेजर टूल। इन तीन टूल्स के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी और प्रैक्टिकली तौर पे सिखाऊंगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल लर्न एंड फन विद मुन्नज़ा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें, लेट्स बिगिन द टॉपिक। पहले बात करेंगे रेजर टूल की, ठीक है। शॉर्टकट की ई है, कीबोर्ड से ई दबाएंगे तो रेजर टूल आ जाएगा। मैं इसे क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने इसे सिंपली क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ब्रश की तरह से बना हुआ है, ठीक है। मैं अगर इसको इस इमेज पे अप्लाई करती हूँ तो ये आप देखें कि इसने मुझे जो रेज करके दिया बैकग्राउंड, इसने मुझे ट्रांसपेरेंट कर दी। मैं कंट्रोल जेड कर लेती हूँ, ठीक है। यहीं से यहाँ पे इसके ब्रशेज आ रहे हैं, ब्रश है, पेंसिल है। अब ये पेंसिल भी कुछ उसी तरह से काम करती है जैसे कि हमारे पास ब्रश का काम है। ब्लॉक जो है आपको ये देखें स्क्वायर शेप में दे देगा, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से मर्ज़ी यूज़ करना चाहें। मैं ब्रश को ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये एक तरह से स्मूथ किस्म का रिजल्ट शो करता है, ठीक है। उसके अलावा ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ तो ये मुझे जो है ट्रांसपेरेंट करके दे रहा है, जबकि मैं चाह रही हूँ कि मुझे कोई कलर करके दे। अब मैं यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, यहाँ से मैं आ जाती हूँ सॉलिड कलर पे। यहाँ से मैंने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिया, लाइक मैंने पिंक सा कर लिया और इसे ओके कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास कलर आ गया। अब इस लेयर को उठा के मैं इधर रख दूँगी ऊपर को इसकी जगह पे, ठीक है। अब अगर मैं रेज करूं, देखिए रेजर ही सिलेक्ट है तो ये देखिए अब वो जो कलर था पिंक ही मुझे वो करके देगा। ये देखिए मीन के रेज हो रहा है बट बैकग्राउंड पे मुझे अब कलर वो दे रहा है जो कि मैंने सॉलिड कलर में जाके सिलेक्ट किया, इस तरीके से ये काम करके देता है, ठीक है। उसके अलावा अब ये जो फ्लो है आप इसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें इसे फ्लो से आप देखें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आपके सामने शो हो रही है। उसी तरह से आप लोगों का ओपेसिटी का भी काम कुछ इसी तरह का होता है कि आपको ये देखें, ये देखिए ये काम करके देता है ओपेसिटी। एक तरफ से आप देखा जाए तो ये ब्रश टूल की ही तरह काम करता है। मैं रेजर टूल का इतना यूज़ करती नहीं हूँ, मैं हमेशा ब्रश टूल को ही प्रेफर करती हूँ, उसी को यूज़ करती हूँ, बट ये टूल है मैंने आपको बतानी है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको फुल कर देती हूँ। उसके अलावा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है स्मूथिंग जो है, ठीक है। इसको अगर मैं ज़्यादा करूँ ये 55 पे, अब अगर मैं करूँ ये देखें तो ये बड़ा स्लो मोशन में जा रहा है बट स्मूथ वे में जाएगा, ठीक है। मैं फ्लो को जो है जो बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है वही कर देती हूँ और ओपेसिटी को भी 100 पे कर देती हूँ। अब देखें ये स्मूदनेस के मुताबिक जो है स्लो होके जा रहा है। सेकंड टूल हमारे पास आ जाती है, यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये आती है बैकग्राउंड रेजर टूल, ठीक है। ये आपके सामने एक इमेज आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब आप देखें कि इसमें जो इसके बाल हैं, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखें यहाँ से जो बाल हैं थोड़े स्कैटर से हैं, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड रेजर टूल होती है वो इस टाइप की इमेजेस की बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बहुत यूज़फुल होती है। नॉर्मली हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं इस टाइप की इमेजेस का तो वो बहुत ही इररिलेवेंट सा रिजल्ट हमें शो करता है अगर हम इस टाइप के टूल्स यूज़ करें, लेसर टूल वगैरह का हम यूज़ करें या फिर मैजिक वैन टूल वगैरह का हम यूज़ करें, ठीक है। तो इस टाइप की इमेजेस के लिए हम जो है यूज़ करते हैं बैकग्राउंड रेजर टूल। मैं यहाँ से इसको क्लिक कर लेती हूँ। उससे पहले मुझे इसकी एक सेटिंग करनी है, ठीक है। ये जैसे मेरे पास इमेज है मैं यहाँ से आती हूँ और इधर से कर लेती हूँ सॉलिड कलर, कोई भी कलर कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ से ये जो लॉक है इसे अनलॉक किया और इसको अब ड्रैग करके ऊपर ले आई, ठीक है। ये ऊपर आ चुका हुआ है। अब जो इसके बैकग्राउंड पे कलर हमारे पास होगा वो ब्लू होगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से क्लिक किया वह बैकग्राउंड रेजर टूल, ऊपर मेरे पास कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास सिलेक्ट होता है वो ये वाला ऑप्शन है, सैम्पलिंग कंटिन्यूस का ऑप्शन है। हमने ये जो इसके साथ ऑप्शन है सैम्पलिंग वंस, इसको करना है क्लिक, ठीक है। मिड वाला जो ऑप्शन है सैम्पलिंग वंस, ठीक है, एक ही दफ़ा सैम्पल लेके दे। और ये जो लिमिट है इसमें भी हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं, डिसकंटिग्यूस, कंटिग्यूस और फाइंड एजेस। इसको जो सेलेक्ट है कंटिग्यूस उसी पे रहने दें।
अगली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारे पास टॉलरेंस है, इसको आपने कम कर देना है, ठीक है, मिनिमम पे ले आना है इसको। उसकी वजह ये है कि इसको अगर आप नहीं करेंगे तो एक तरफ से ये आपको एक्यूरेट नहीं करके देगा। आपने देखना है कि आपको कहाँ पे टॉलरेंस कम करने की ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको साथ साथ सेट करते रहना है, ठीक है। अभी मैं इसको 21 पे ले आती हूँ नाउ। अब मैं पहले तो यहाँ पे अगर सिंपली करूँ, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे तो सिलेक्शन एक तरह से इजी वाला काम हो गया, ये नहीं, इस साइड से इसने मुझे कर दिया। यहाँ पे भी अगर आप देखें, इधर से अगर मैं आपको दिखाऊँ जूम करके, ये देखें यहाँ पे जो इसके बाल थे उसको कितनी अच्छा इसने जो है रहने दिए, उसको नहीं किया सिलेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह के पर्पसेस के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये देखें अभी मैं एक एक क्लिक करके आ रही हूँ सिर्फ, ये देखें इस तरीके से कितना ज़बरदस्त तरीके से उसके बालों वाले एरिया को जो है ना वो बिल्कुल सही रहने दे रहा है। और इसी तरह से अब ये यहाँ की सिलेक्शन नॉर्मली हम करें दिन बैठे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कुछ उमड़ ही बन जाएगा एक तरफ से। तो इस तरह की सिलेक्शन के लिए ये बहुत बेहतरीन किस्म की टूल है हमारे पास, जिसे हम बैकग्राउंड रेजर टूल कहते हैं। से आप जूम करके मजीद अपनी सिलेक्शन को बेहतर बना सकते हैं, लाइक इधर मैंने करना है, ये देखें इस तरीके से। बाकी आप टॉलरेंस को जो है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करें। ये ब्रश टूल की तरह इसके साइज़ को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह से हम ब्रैकेट्स की मदद से करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ज़रा वीडियो को फास्ट करती हूँ और इसकी एक अच्छी सी सिलेक्शन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल यू दबाऊँ तो मैं, तो यहाँ से जो है हम इसका कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, देखें इस तरीके से, इस तरीके से हम कलर वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये सेचुरेशन लाइटनेस वगैरह भी हम देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। अब हमारे पास बारी आती है हमारे आज के टूल नंबर 3 की, वो है मैजिक रेजर टूल, ठीक है। यहीं पे आएंगे, हमारे पास थर्ड ऑप्शन है मैजिक रेजर टूल का, मैंने इसे क्लिक किया। ऊपर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, टॉलरेंस है जो कि 32 पे सेट है। चलिए अभी इसी के साथ करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया, अभी तो कलर मिलता जुलता था, इसने रिमूव करके दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये देखें इसने मुझे क्योंकि वो एक ही तरह की बैकग्राउंड थी तो इसने मुझे रिमूव कर दी। अब मैं इसको ज़रा कंट्रोल जेड करती हूँ, ठीक है। अभी तो टॉलरेंस बाय डिफ़ॉल्ट 32 थी, मैं इसको अगर 100 पे करती हूँ, 100 पे किया, अब देखते हैं। तो ये देखें अब एक ही क्लिक में उसने मुझे बैकग्राउंड रिमूव कर दी। बट ऐसा उसी सिचुएशन में पॉसिबल होता है अगर बैकग्राउंड का कलर, ये जो आपका आगे फोरग्राउंड है जैसे कि ये लड़की है, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है और एक ही है, ठीक है। जिस तरह कि अब ये एक ही कलर था येलो और इसमें कहीं पे भी नहीं आता उस तरह का या उसे मिलता जुलता, तो इसलिए एक क्लिक से हो गया। बट अगर कुछ सिचुएशन हमारे पास ऐसी हो, ठीक है, अब यहाँ पे देखें कलर जो हैं एक तो सेम नहीं है, ठीक है, और काफ़ी जगहों पे वाइट का ये देखें जैसे यहाँ पे टच आ रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर मैं टॉलरेंस 100% पे ही रह के क्लिक करूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें क्या हुआ, मिलते जुलते कलर्स कुछ बाहर से रह गए और कुछ वहाँ पे उसके बॉडी पार्ट जो हैं उनको भी उसने रिमूव कर दिया। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, कंट्रोल जेड किया, यहाँ पे हमें ज़रा टॉलरेंस को ना मैनेज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं 40 रख लेती हूँ, ठीक है, अब करते हैं, ठीक है। तो ये आपको फिर से इन चीज़ों को देखना होता है। ये देखिए आप इस क्लिक से हुआ, यहाँ से मैं टॉलरेंस को ज़रा कर देती हूँ 10 पे नाउ। अब देखिए अब नहीं हुआ, क्यों हुआ था, क्योंकि वो टॉलरेंस करता क्या, आप जिस कलर पे सिलेक्ट कर रहे हैं ना उससे मिलते जुलते को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये काम करता है, तो इसलिए टॉलरेंस आप जितनी कम रखेंगे उससे कम मिलते जुलते कलर पे फिर करेगा, फिर एग्जैक्ट उसी कलर पे करता है, ठीक है। ये बात आपको यकीनन समझ आई होगी कि क्या बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पे अगेन इसको ज़्यादा कर लेती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे इसको 40 ही कर लेती हूँ, और अब इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी इजी ही है एक तरह से बैकग्राउंड रिमूव करना, ठीक है। मैं उसकी बॉडी के इर्द गिर्द वाले हिस्से से आपको जस्ट करके दिखा रही हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितना एक्यूरेसी से काम हो सकता है इससे भी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तीनों टूल्स जो मैंने आपको समझाए आपको वो समझ आए होंगे।